अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशन सामने आया है, क्या FIR हुआ है, कितने सर अभी FIR डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे हुए हैं और हम लोग उसको काउंट करवा रहे हैं। अभी तक तो मेरी इन्फॉर्मेशन 7 से 8 के आसपास FIR हुए होंगे और अभी जो है बहुत सारे लोग हमारा एनालिसिस विंग जो काम करता है उसका काम स्टार्ट हो गया है। हम लोग उन लोगों को चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग इसमें समाज के सद्भाव और शांति को खराब करने की कोशिश किया और उसके उपरांत जो लोग इनडायरेक्ट थे या पर्दे के पीछे थे या जो कहीं ना कहीं इसको इंस्टिगेट कर रहे थे हम लोग उस तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही अभी जो है स्थिति शहर की सामान्य है और इंटरनेट सेवाएं फिर से अप्लाई कर दी गई है, सर्विस प्रक्रिया पूर्ण सर्विसेज दी जा रही है और अभी रोड शो के बाद हम लोग विचार और करेंगे कि जो 144 इशूज हैं इसमें कितना हम लोग डिस्काउंट कर सकते हैं, कितना रिलेक्शन दे सकते हैं, ये एक विचार विमर्श के उपरांत किया जा सकता है। लेकिन सुरेंद्र जी आज तीसरा दिन है सिंगल, एक गिरफ्तारी नहीं हुई, गिरफ्तारी को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। मैम मैंने पहले कहा आपको कि हमारे प्रत्येक ये डिफरेंट इशू है, हमारे डिफरेंट तरह के इंसिडेंट यहाँ पे हुए थे, हमको पता है हाउ टू डील विद द सिचुएशन एंड इन्वेस्टिगेशन, हमारे दोनों काम चल रहे हैं। पहले जो है हमारे बच्चे, हमारे माता बहन, जो वृद्ध आदमी, जो व्यवसाय लोग घर के अंदर फंसे हुए हैं, हमारी प्राथमिकता होती है पहले उसको रिलेक्शन दिया जाए, उसके लिए अच्छा माहौल तैयार किया जाए, लॉ एंड मेंटेन करना, पीस मेंटेन करना, सेम टाइम पे हमारा इन्वेस्टिंग भी चल रहा है। और ये बोला गया था कुछ लोग आए हैं, नहीं अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट नहीं किया क्वेश्चन को, हमारे पास जो भी एविडेंस आएंगे, जो भी साक्ष्य सबूत आएंगे हम उस पर काम करेंगे। अभी इस पर फाइनली ऑफिशियल में कुछ नहीं बोल पाऊंगा, इंस्टिगेटर कौन थे, फेसबुक कौन थे, डायरेक्ट कौन थे, इनडायरेक्ट कौन थे, डिप्लोमेट कंस्पायरेटर कौन थे, इट्स मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मैंने फिर से कहा आप लोगों के माध्यम से फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि निर्दोष बिल्कुल नहीं फंसेंगे और दोषी बिल्कुल नहीं बचेंगे। राजधानी वासियों का संदेश ये है कि आप सभी लोग एक बहुत ही खुशनुमा शहर के निवासी हैं और आपने अपनी जो संस्कृति है, जो एक आपसी सौहार्द का समन्वय का माहौल है, आपने इसकी बेमिसाल इतिहास कायम किया है। मैं आप सभी लोगों को अनुरोध करना चाहूँगा और ये अपील करना चाहूँगा कि सब कुछ सामान्य है, आपके लिए हर तरफ फोर्स लगे हुए हैं, आप लोगों ने को कुछ दिक्कतें हुई है पास्ट में 144 और इंटरनेट सेवाएं कारण, कल मॉर्निंग से इंटरनेट सेवाएं भी आज मॉर्निंग से स्टार्ट कर दी गई है। रोड शो के बाद हम लोग फिर से विचार करेंगे किस हद तक कैसे डिस्काउंट दिया जाए, कैसे बढ़ाया जाए और बस आपसे सौहार्द बना के रखिए, अफवाहों पर बिल्कुल ना जाए, ऐसे कोई पोस्ट या अपलोड कोई ऐसी बात ना करें क्योंकि आप सभी लोग सोशल साइट्स को मॉनिटरिंग किया जा रहा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट सोशल मॉनिटरिंग सेल के द्वारा लगातार जो इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इसकी मॉनिटरिंग डिस्ट्रिक्ट से भी हो रही है और पुलिस मुख्यालय स्तर से भी हो रही है। तो वो चीज़ करें जो आपके समाज में पीस और हर्ड लाए, वो ऐसा कोई अफवाहों पे बिल्कुल ना जाए, ऐसे कोई पोस्ट या अपलोड कोई ऐसी बात ना करें क्योंकि आप सभी लोग सोशल साइट्स को मॉनिटरिंग किया जा रहा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट सोशल मॉनिटरिंग सेल के द्वारा लगातार जो इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इसकी मॉनिटरिंग डिस्ट्रिक्ट से भी हो रही है और पुलिस मुख्यालय स्तर से भी हो रही है। तो वो चीज़ करें जो आपके समाज में पीस और हर्ड लाए, वो ऐसा कोई चीज़ ना करें, ना वो बात सुने, ना बात को भड़काएं जिससे कि आपकी समन्वय भी खराब हो। थैंक यू।